हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स वंस अगेन। पिछली क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा था, वो आपको समझ आ गया होगा। और आज की क्लास में मैं आपको उसके जुड़ी हुई सारी एडजस्टमेंट समझाऊंगा। सारी एडजस्टमेंट्स होंगी, साथ ही साथ एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आज की क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। ओके, लेट्स गो। अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स भी करनी है। ट्रांजेक्शन्स में तो एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स किस किस तरह की आएंगी वो भी आपको समझा रहा हूँ एक-एक करके। आपके पास एडजस्टमेंट्स यानी कि क्वेश्चन के बाद अलग से कुछ एडजस्टमेंट्स दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास एक मेन ट्रीटमेंट आती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है इसमें ध्यान रखना ट्रीटमेंट करनी कैसे है, एक एक करके ध्यान रखना। सबसे पहले यानी कि प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में ही दे रखा है, नीचे कहीं एडजस्टमेंट भी गिवन नहीं है, मींस व्हेन नो एडजस्टमेंट इज गिवन, तब क्या करना है? उस वक्त जो आपकी ओपनिंग बैलेंस की फिगर होगी यानी प्रीवियस ईयर की, आपके दो साल की फिगर्स फॉर एग्जाम्पल 2018-2019 की फिगर्स गिवन है, तो 2018 जो प्रीवियस ईयर फिगर है उसको दिखाएंगे इनकम टैक्स पेड के नाम से, और जो 2019 की करंट ईयर की फिगर होगी, क्लोजिंग बैलेंस की फिगर होगी, उसको हम नेट प्रॉफिट्स में ऐड करेंगे। कहाँ पर, मैं जगह बताता हूँ। देखो, ये जो ओपनिंग बैलेंस यानी प्रीवियस ईयर की 2018 वाली फिगर्स होगी, पहले वाली फिगर होगी, उसको इनकम टैक्स पेड में दिखाएंगे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, यहाँ पर इस जगह पर इनकम टैक्स पेड के नाम से, यहाँ पर फाइनेंसिंग में ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में माइनस करना है। तो जगह बनी हुई हर एक की, वहाँ बता रहा हूँ कि कहाँ पर डालना है इसको इस फॉर्मेट के अंदर। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस यानी करंट ईयर की 2019 वाली फिगर होगी उसको आपने नेट प्रॉफिट्स में ऐड करना है। नेट प्रॉफिट्स में ऐड करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही, कहाँ पर? जब आपने फॉर्मेट दिया था सबसे ऊपर आपको यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ था, यहाँ पर ऐड करना है। तो ध्यान रखना क्लोजिंग बैलेंस का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा उसको यहाँ शो करना है सबसे ऊपर, नेट प्रॉफिट्स में ऐड करना है, और जो ओपनिंग बैलेंस होगा पिछले साल की फिगर होगी उसको इनकम टैक्स पेड में यहाँ का दिखाना है। ठीक है, ये दोनों की जगह बनी हुई है, आपने अलग जगह आने, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर और क्लोजिंग बैलेंस ऊपर नेट प्रॉफिट्स में। इसके अलावा अगर आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है, नीचे अलग से एडजस्टमेंट गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, एक अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। इसमें जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो इधर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 40,000। ओके, तो 30,000 और 40,000 ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे डालने के बाद, फॉर एग्जांपल आपको नीचे एडजस्टमेंट गिवन है कि टैक्स पे कर दिया। मान लो इसमें से कहा जाता है कि आपने 25,000 का टैक्स पे कर दिया, 25,000 का टैक्स पे किया, टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 65,000। अब ये 65,000 यहाँ पे लिखेंगे और ये माइनस करके जो बैलेंस आएगा 35,000 ये प्रोविज़न बनेगा यहाँ पर 35,000। तो यानी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो आप बैलेंस शीट से उठा के डाल दोगे। अगर आपको टैक्स पेड गिवन है तो टैक्स पेड यहाँ पर दिखाने के बाद जो बैलेंस निकलेगा अकाउंट से वो आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स के नाम से आ जाएगा। ओके, अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो आपने सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट्स में ऐड करना है, और जो ये निकला है आपका टैक्स पेड जो आपको दिया हुआ था ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस करना है। जो जगह बनाई थी मैंने आपकी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो टैक्स पेड होगा वो वहाँ पर माइनस करना है यहाँ पर इनकम टैक्स पेड, और जो बैलेंस निकल के आएगा प्रोविजन वाला वो आपने सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट्स में ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से। ओके, तो ओपनिंग क्लोजिंग डालने के बाद टैक्स पेड दे रखा होगा तो प्रोविजन निकल आएगा, और अगर प्रोविजन दे रखा हो, टैक्स प्रोवाइडेड गिवन हो, तो टैक्स पेड निकल आएगा। जगह वही बननी है, टैक्स पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लास्ट में माइनस करना है, और जो प्रोविजन है सबसे पहले स्टेप में नेट प्रॉफिट्स में ऐड करना है। तो कभी ये दे देंगे और कभी ये दे देंगे एडजस्टमेंट्स में, तो टैक्स पेड देंगे तो प्रोविजन निकल आएगा, और प्रोविजन दे देंगे तो टैक्स पेड निकल आएगा ओपनिंग क्लोजिंग डालने के बाद, और अपनी भी जगह पर उसको डाल देंगे। ये तब करना है जब एडजस्टमेंट गिवन हो, और एडजस्टमेंट गिवन ना हो तो अपने ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस नहीं लेना, इनको अलग अलग जगह दिखाना है। ये होगी ट्रीटमेंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की।
नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है सिमिलरली प्रपोज डिविडेंड की। प्रपोज डिविडेंड के लिए भी सेम ट्रीटमेंट है, अगर एडजस्टमेंट गिवन हो नहीं होगी तब क्या करना है, और गिवन होगी तब क्या करना है। यानी कि इसके अंदर भी आपने ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल की फिगर होगी वो आपने डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाना है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है करंट ईयर का वो आपने नेट प्रॉफिट्स में ऐड करना है। देखो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो आप उसी में सबसे ऊपर प्रपोज डिविडेंड के नाम से यहाँ पर ऐड कर दोगे, ये वाली, ओके। और जो ओपनिंग बैलेंस है डिविडेंड का, प्रपोज डिविडेंड का, उसको आपने फाइनेंसिंग में यहाँ पर डिविडेंड पेड के नाम से शो करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट ये निकला कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपने डिविडेंड पेड के नाम से फाइनेंसिंग में दिखाना है, माइनस करना है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट से प्रपोज डिविडेंड के नाम से ऐड करना है। अगर एडजस्टमेंट गिवन है जैसे टैक्स की थी, उसमें भी ऐसे करना है, अकाउंट बनेगा किसका, प्रपोज्ड डिविडेंड का, प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट बनेगा, और उसमें भी ओपनिंग बैलेंस यहां दिखाना है। सेम ट्रीटमेंट मान के चलते, मान लो 30,000 दे रखा है और ये 40,000 दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस, इसका भी मान लो डिविडेंड पेड दे दिया गया क्वेश्चन के अंदर कि आपने डिविडेंड पेड 10,000 किया, तो डिविडेंड पेड 10,000 हो गया, टोटल करेंगे 50,000, और 50,000 में से 30,000 माइनस करके जो बैलेंस निकलेगा 20,000, ये प्रपोज्ड डिविडेंड निकल आएगा, प्रॉफिट लॉस के अंदर आप ट्रांसफर करेंगे। ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड पार्ट है ये हम नेट प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे, और जो डिविडेंड पेड है वो फाइनेंसिंग माइनस कर देंगे। जगह वही बनी हुई है, डिविडेंड पेड वाली आइटम आपको फाइनेंसिंग माइनस करनी है, और प्रपोज्ड वाली आइटम आपको नेट प्रॉफिट्स में ऐड करनी है। अगर डिविडेंड पेड दिया होगा तो प्रपोज्ड निकल आएगा इस तरफ, और प्रपोज दिया हुआ होगा तो उस तरफ डिविडेंड पेड माइनस डिविडेंड पेड आपका डेबिट साइड पे बैलेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो डिविडेंड पेड डिडक्ट करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, और प्रपोज को ऐड करना है नेट प्रॉफिट्स में। लेकिन ये तब करना है जब एडजस्टमेंट गिवन हो नीचे किसी चीज़ की, अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं होगी तब उसको अलग अलग ही ट्रीट करना है, ओके। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट का कभी भी कोई एडजस्टमेंट दे रखी हो तो उसके लिए फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लो। उसमें क्या करना है, आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डेबिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस आपने क्रेडिट साइड पर शो करना है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। तो ओपनिंग बैलेंस इस तरफ और क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ, ये डाल दिया आपने बैलेंस शीट में से निकाल कर। अब अगर एडजस्टमेंट्स में कोई सेल दे रखी है तो लिखेंगे बाय बैंक इस तरफ, कोई परचेज दे रखी है तो लिखेंगे टू बैंक परचेज, अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो इस तरफ शो कर देंगे, अगर इस सेल में कुछ लॉस हुआ है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे यहाँ लॉस ऑन सेल के नाम से दिखा देंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड पे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट नाम से दिखा देंगे। तो करना यह है कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट गिवन है उसको डालते जाओ। परचेज दे रखी है डेबिट साइड पर, सेल दे रखी है तो क्रेडिट साइड पर, दोनों बैंक के नाम से, बाय बैंक टू बैंक। अगर प्रॉफिट हुआ है तो टू साइड पर, डेबिट साइड पर टू प्रॉफिट ऑन सेल, और अगर लॉस हुआ है तो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल, और डेप्रिसिएशन भी आपने क्रेडिट साइड पे शो करना है। अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालने के बाद जो सेल परचेज है, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, वो तो डालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हमने जैसे इन्वेस्टिंग में यहाँ पे दिखाया था, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को आपने ऐड करना है और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स को आपने माइनस करना है। ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पर ऐड और लेस हो जाएगा। लेकिन बाकी जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर, चाहे वो डेप्रिसिएशन की हो, डेप्रिसिएशन की होगी और लॉस ऑन सेल की होगी, ये डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल को तो आपने ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और जो प्रॉफिट ऑन सेल होगा उसको माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, ओके। कहाँ पर, कि हमने जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाई थी तो वहाँ पर ये डेप्रिसिएशन आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और लॉस ऑन सेल भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और जो प्रॉफिट ऑन सेल था वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में या माइनस करना है। तो उस अकाउंट के अंदर से जो सेल परचेज की आइटम्स होंगी वो जाएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और जो डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल की जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो जाएंगी
इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाले हिस्से में, जिसमें लॉस ऑन सेल और डेप्रिसिएशन ऐड होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड के अंदर, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हम माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम के हेड के अंदर। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स हो गई आपकी फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट की, दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। इसके बाद आपकी एडजस्टमेंट आती है रिडेम्पशन की, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स की, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास बैलेंस शीट के अंदर आपको डिबेंचर्स दे रखे हैं 1,00,000 रुपये के, और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है इसका मान लो 60,000। 1,00,000 के शुरुआत में थे, अब 60,000 के रह गए, मतलब 40,000 के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, और कहा जाता है कि आपने जो रिडेम्पशन की है वो 10% प्रीमियम पर की है, 10% प्रीमियम पर। ओके, अब यहाँ पर 40,000 के डिबेंचर रिडीम हुए हैं, 40,000 का 10% मतलब 4,000 रुपये प्रीमियम है जो हम इस तरफ शो करेंगे, और जो हम रिडेम्पशन कर रहे हैं 40,000 के डिबेंचर्स में 4,000 प्रीमियम दे रहे हैं साथ में, तो टोटल रिडेम्पशन होगी 44,000 की। इस तरह से टोटल हमारा 1,04,000 यह बन जाएगा, और ये अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये प्रीमियम रिडेम्पशन है, इसको हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और जो रिडेम्पशन हुई है उसको माइनस कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डालने के बाद जो प्रीमियम था वो देखो यहाँ पे जगह बनाई हुई थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, देखो यहाँ पर, या प्रेफरेंस शेयर्स, इसकी जगह बनी हुई है, इसको यहाँ पे ऐड करना है, और जो डिबेंचर्स की रिडेम्पशन हुई है या प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन हुई है उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे माइनस कर देंगे इस जगह पर। ठीक है, ये सबकी जगह बनी हुई है अपने। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिबेंचर इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट आती है कि डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करना है, तो उसका कोई अकाउंट नहीं बनाना, बस दो जगह ट्रीट करना है इसको। एक बार इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, और एक बार डिबेंचर इंटरेस्ट पेड के नाम से फाइनेंसिंग माइनस करेंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट दो जगह कहाँ दिखाना है, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, आप यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में देखो यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा था, ये डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा था, इसको यहाँ पर ऐड करना है, और दूसरी जगह आप इसको फाइनेंसिंग में माइनस करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट पेड के नाम से। तो दो जगह बनी हुई है, इसको यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद लास्ट में आपके पास कोई इंटरिम डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड की ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट्स आती हैं, तो उसको भी दो जगह ट्रीट करना है बिना अकाउंट बनाए। एक बार नेट प्रॉफिट्स में ऐड कर दो सबसे ऊपर ऑपरेटिंग में, नेट प्रॉफिट मतलब सबसे पहले वाले हिस्से में, और एक बार डिविडेंड पेड के नाम से फाइनेंसिंग में माइनस कर दो। ओके, तो कहाँ पर, जब हमने इंटरिम इक्विटी की बात की थी तो सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड यहाँ पर लिखा था, तो ये दोनों यहाँ पर ऐड करने हैं एक बार, और दूसरी बार आपने इसको फाइनेंसिंग में माइनस करना है ये इंटरिम डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड पेड के नाम से या प्रेफरेंस डिविडेंड पेड के नाम से। तो ये आपके पास दो जगह ट्वीट करना है, सबकी जगह बनी हुई है। ओके, अब मैं आपको ये जो सारी एडजस्टमेंट्स की हैं, क्वेश्चन किया है, इसके बेस पर अभी आपको इस क्लास में एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। तो इसमें से एक न्यूमेरिकल हम पकड़ रहे हैं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखो, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1,00,000 रुपये का आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ये कुछ आइटम्स हैं, डेपोजिशन, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल, और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हैं। यहाँ से आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। तो एक एक करके मैं आपको चीज़ बताऊँगा, जैसे फॉर्मेट बताया है आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट बनाना है इसके अंदर। ये वैसे बना हुआ है पूरा, लेकिन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो आपको बनाना है। अब इसमें जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया, सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, नेट प्रॉफिट से। आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये आपको गिवन था 1,00,000 रुपये, एक एक करके देखते जाओ। ये 1,00,000 रुपये आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। ओके, सेकंड, अब मैंने इस पूरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी तीन हिस्से बनाए थे। सबसे पहले हिस्से में बताया था कि आपको रिजर्व, टैक्स, डिविडेंड वगैरह ऐड करने हैं। देखो कौन कौन सी चीज़ दे रखी है यहाँ पर, आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 14,000 और प्रोविजनल टैक्सेशन दे रखा है 1,60,000।
तो आप इसमें एक तो रिजर्व यानी जनरल रिजर्व और एक प्रोविजन टैक्सेशन जो मैंने आपको कहा था, इसमें याद कर लो रिजर्व टैक्स डिविडेंड, तीन आइटम्स को याद कर लो जो आपको इसमें फर्स्ट स्टेप में ऐड करनी है। रिजर्व है 14,000 और टैक्सेशन है 1,60,000। तो इसमें ऐड करो एक जनरल रिजर्व 14,000 और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,60,000। दो ही आइटम्स इसमें डिविडेंड नहीं है, इसको यहां पर ऐड किया ये बन गया 1,74,000। इसका टोटल किया ये बन गया 2,74,000 और ये कहलाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। ये हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि कुछ आइटम्स ऐड लेस करनी है, जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है। तो ऐड करो इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हेडिंग बनाया। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ढूंढने वाली आइटम्स कौन कौन सी आएंगी आप उस फॉर्मेट में देखोगे, तो एक तो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये दोनों आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं और ऊपर डेप्रिसिएशन भी है। तो तीन चीज़ें हैं, डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तीनों चीज़ डाल देते हैं। डेप्रिसिएशन 20,000, डेप्रिसिएशन 20,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ कर रहे हैं वो हमारे पास थे 10,000 और लॉस ऑन सेल था 1,000। अब इसमें इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है, लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा था आपको माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इसमें देखो क्या गिवन है, आपको गिवन है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 6,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 6,000 और ये माइनस कर इसलिए हम नेगेटिव में ले रहे हैं। अब ये नेट इफेक्ट ले लो 20 और 10 30 31 में से 6 क्या 25,000, तो 25,000 यहाँ पे टोटल किया और इनको ऐड कर दिया ये बन गया 2,99,000 और ये हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से ट्रीटमेंट करनी है, तो हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी का आगे कंटिन्यू है वो नीचे के, पर यहाँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ वरना उसी के नीचे कंटिन्यू होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल हमारा निकल के आया था 2,99,000। अब इसमें मैंने कहा था कि आपको कुछ ऐड और कुछ लेस करना है, क्या क्या, अगर करंट एसेट्स डिक्रीज कर रहे हैं या करंट लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही हैं तो इनको ऐड करना है, और अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स हैं या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हैं वो माइनस करनी है। एक एक करके देखते जाएंगे कि ऐड हो रही है या लेस हो रही है। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं जो 2018 और 2019 की फिगर दे रखी हैं 24,000 और 30,000, तो ये 6,000 से बढ़ रही हैं पिछले साल के मुकाबले में, इस साल ये बढ़ रही हैं 6,000 से। तो 6,000 से डेटर्स बढ़ना मतलब कि लेस करना, यहाँ लिख दो इंक्रीज इन डेटर्स 6,000 माइनस में। ओके नेक्स्ट आइटम थी क्रेडिटर्स, इसमें 20 से 30 10,000 बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं 10,000 से, तो वो यहां पर आएंगे, ये है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। लायबिलिटी बढ़ना मतलब ऐड करना। उसके बाद है बिल रिसीवेबल 20,000 से 17,000, 3,000 कम हो रहे हैं, बिल रिसीवेबल कम हो रहे हैं
मतलब कि ऊपर 3000, क्या हो रहा है, डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल 3000। फोर्थ आइटम थी इसके अंदर बिल्स पेबल, 4000 से कम हो रहा है, 16000 से 12000 है तो 4000 कम हो रहे हैं, 4000 कम हो रहे हैं तो लेस, क्योंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी कम होना मतलब माइनस करना, तो डिक्रीज इन बिल्स पेबल। और लास्ट में है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो करंट एसेट्स होते हैं, 200 से बढ़ रहे हैं, करंट एसेट्स 200 से बढ़ रहे हैं तो ये आपके आएंगे माइनस में। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, इन सब का नेट इफेक्ट ले लो, 13000 से प्लस हो रहा है और 10200 माइनस हो रहा है, मतलब 13000 में से आप 10200 माइनस कर दोगे तो 2800 यहाँ पर हमारा इसका नेट इफेक्ट आएगा। अब टोटल करो, टोटल करके हमारा आ रहा है 3,01,800। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स पेड माइनस करना। अब इनकम टैक्स पेड यहाँ पे गिवन नहीं है, पर आपको ये बाई डिफॉल्ट ये देखना है, अगर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, जितना प्रोविजन आपने बनाया था टैक्स का उतना ही आपने टैक्स पे भी करना है। तो 1,60,000 आप सबसे लास्ट में इनकम टैक्स पेड माइनस भी करोगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा ये निकल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, और लास्ट स्टेप में आपने इसमें इनकम टैक्स माइनस करना है, जितना प्रोविजन बनाया था, अगर या तो इनकम टैक्स पेड दिया होता तो वो डालते, पर इनकम टैक्स पेड नहीं है तो जो प्रोविजन था हमारा 1,60,000 रुपये का उतना ही हम पे करेंगे। तो आपका आंसर 1,41,800 ये आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके, ये आपका आंसर है। ये मैंने आपको करके दिखाया और ये पूरा आपका एज इट इज प्रिंटेड यहाँ पर ये बना हुआ है। तो ये आपका मैंने आपको क्वेश्चन कराया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, जो लंबा फॉर्मेट था वो मैंने आपको करा दिया। तो आज अभी इस क्लास के अंदर मैंने आपको सारा का सारा कैश फ्लो कैसे बनाना है पूरा फॉर्मेट समझाया, उसकी एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ किस किस जगह डालनी है वो कराई हैं, और साथ में एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं फाइनेंसिंग का, इन्वेस्टिंग का और एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे आपका ये चैप्टर की सारी अंडरस्टैंडिंग और इंट्रोडक्शन सारा टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस के लिए जिसके अंदर हम इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ फुल फ्लेज क्वेश्चन साथ करेंगे, उसके लिए स्टे कनेक्टेड विद लर्न कॉमर्स एंड टिल देन गुड बाय।